हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का प्रवचन बड़ा रोचक रहा। और आज की भाषा में जो टेक्निकल भाषा में प्रवचन हुआ तो उसी दिशा में कुछ और मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो विचार करेंगे विष्णु दूतों और यमदूतों के बीच में जब टक्कर हुई तो विष्णु दूतों ने जब प्रश्न किया यमदूतों से तो यमदूतों का जो ज्ञान है वो बहुत सीमित है और इतना सीमित है कि जो कुछ भी धर्म है वो हमारे जो धर्मराज हैं वही जानते हैं और कोई ईश्वर है उनके विचार में कोई ईश्वर है तो उनका कहना है कि बस ईश्वर कौन है, वेद है ईश्वर है, वेद ही ईश्वर है, वेद प्रणहितो धर्मो। और उनका कि धर्म जो है ये वेद चित से आया है ना। और जो वेद क्या है ये कोई व्यक्ति नहीं है, वेद जो है एक वाणी है, एक शब्द है, जैसे हार्ड डिस्क, एक हार्ड डिस्क है जो टॉप लेवल पर है, कोई व्यक्ति नहीं है। जैसे निर्विशेषवादी लोग होते हैं या जैसे आज के वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि भाई बिग बैंग थ्योरी एक चंक था बहुत बड़ा, सबसे पहले वही था, उसी में विस्फोट हुआ, ये सब जो है बन गया। तो यमदूतों का भी यही विचार है कि जो है वेद है एक हार्ड डिस्क है, उसमें सब धर्म जो है निहित है, उसके अंदर सब धर्म भरा पड़ा है, है? अधर्म जो है बस उसके विपरीत जो है सब धर्म है। और वेदो नारायण है साक्षात, वही साक्षात नारायण वेद ही, किसी ने बोला नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जो बोले कोई बताए, वो कुछ नहीं है, एक हार्ड डिस्क है उसके अंदर सब धर्म भरा पड़ा है। स्वयंभूरित सुस्त्रम, किसी ने बोला वेदों को, किसी ने नहीं बोला, स्वयंभू वो हार्ड डिस्क अपने आप बन गई, किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया, वेदो नारायण साक्षात, वही साक्षात नारायण है स्वयंभू, वही स्वयंभू है, वेदों के ऊपर कोई नहीं है, न कोई वेदों को बोलने वाला है, यही चीज उनका जो है यही ज्ञान है। अब ये जो ज्ञान है वो जो वेद वाणी है ये किसको मिली, कैसे मिली, कोई परंपरा होगी आपके धर्मराज को कैसे मिली, ये तो कोई परंपरा नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, वो स्वयंभू है, वेद वाणी है, तो अपनी इच्छा से किसी के पास आ गई, किसी के कंप्यूटर में आ गई, वो हार्ड डिस्क जो है वो किसी कंप्यूटर में आ गई। कितने लोग जानते हैं, सूर्य देवता जानते हैं, ये सब अग्नि देवता है, आकाश है, मरुद हैं, सोम है, संध्या है, दिन रात के देवता है, इस प्रकार से हमारे कई आचार्य हैं, इसके परंपरा कुछ नहीं है, अपने आप वो आ गई, वेद जो है किसी को मिल गया। और स्वयं धर्म, और हमारे जो धर्मराज हैं स्वयं धर्म भी जो है इसके आचार्य हैं, ये वो सबसे बड़े हैं, हमारे जो यमराज हैं वो सबसे बड़े आचार्य हैं। तो साक्षी सब हैं, धर्म के साक्षी इतने लोग हैं, सूर्य देवता हैं, अग्नि देवता हैं, इतने सब धर्म के साक्षी हैं, लेकिन सबसे बड़े साक्षी कौन हैं, हमारे धर्मराज। अगर उनका कुछ निर्णय हो गया तो कोई और बोलने वाला नहीं है। तो यमदूतों का जो है मतलब उसी प्रकार का विचार है जैसे कोई निर्विशेषवादी होते हैं, उस तरह का विचार है। अब वो जो विष्णुदूत हैं वो कौन है, तो इन्होंने पूछा भी था कि आप लोग कौन हैं, आप किसके द्वारा भेजे गए। विष्णुदूतों ने अपना कुछ परिचय दिया ही नहीं कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए। उन्होंने पूछा, हम तो भाई धर्मराज का शासन के अनुसार हम आए, उनके द्वारा भेजे गए आए, और सब कुछ बताया कि ये अजामिल ने ऐसे किया, उसका पूरा जीवन चरित्र बताया, और हमारा कोई जो है दुर्भावना नहीं इसके प्रति, हम तो इसको अब ले जा करके वहाँ शुद्धिकरण करेंगे, नरक में शुद्धिकरण करेंगे, जैसे कि सोना होता है अशुद्ध होता है तो आग में जो है तपाया जाता है तो शुद्ध होता है, इसी प्रकार हम इसको शुद्ध करेंगे, तो हमारे की दुर्भावना तो है ही नहीं, तो आप जो है हमें क्यों रोक रहे हैं। तो यमदूतों ने इस प्रकार से जब कहा तो विष्णुदूतों ने अपना परिचय दिया ही नहीं कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए। उन्होंने कहा कि बड़े जो है दुख की बात है कि धर्म जहाँ धर्म के ज्ञाता हैं वो लोग भी जो है धर्म को नहीं जानते, और ऐसे व्यक्ति के ऊपर वो जो है
दंड का विधान करते हैं जो दंड पाने योग्य नहीं है, है ना। तो इस प्रकार से कह करके और विष्णुदूत जो है चले गए कि तुम इसको नहीं छोड़ सकते। और यमदूत जो है लौट करके आए तो उनके दिमाग में संशय बना ही रहा, दिमाग में संशय बना रहा है कि मतलब ये कौन है, है ना। हमारे धर्मराज से आगे तो कोई है नहीं जो धर्म का निर्णय करे, धर्म धर्म का निर्णय करे। तो जब धर्मराज से इस प्रकार से जब कहा तो यमराज भी जो है इनके पास भी जो है मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी है कि सब कुछ लाइव हो गया, उनके जो कुछ भी हुआ था सब कुछ उनको लाइव हो जाता है धर्मराज के पास, है ना। तो सब कुछ समझ गए, विष्णुदूतों ने क्या कहा, यमदूतों ने क्या कहा, और यमदूत जो है क्या समझे क्या नहीं समझ पाए, उनके दिमाग में क्या संशय जो है अभी बना हुआ है, और वो संशय होना भी चाहिए। और यमदूत जो है यमराज से जब बात करते हैं तो बहुत ही तरीके से बात करते हैं, जैसे कोई शिष्य होता है अपने गुरु के जो है शरण में जाता है, प्रणिपाते ने परिप्रश्न ने सेवया, तो जो है पूर्ण सेवा सेवा में तो लगे हुए हैं, 24 घंटे सेवा में लगे हुए हैं, और बहुत विनम्रता पूर्वक उन्होंने जब सब बातें बताई और फिर प्रश्न किया कि वो लोग कौन हैं, ये हम जानना चाहते हैं, और उन्होंने हमें नहीं बताया तो हम इसका मतलब है कि हम योग्य नहीं हैं कि हम उनके बारे में जानें, तो उन्होंने हमें बताया नहीं कुछ। लेकिन आप अगर समझें कि हम योग्य हैं कि हम जान सकते हैं तो आप कृपा करके हमें बताइए। तो यमदूतों ने जो है मतलब पूर्ण विनम्रता के साथ और समर्पण के साथ जब यमराज से प्रश्न किया तो वो जो है बहुत प्रसन्न हुए, यमराज बहुत प्रसन्न हुए। तो श्लोक संख्या 11 में यम सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि प्रीता सुदूतान प्रत्या है, तो बहुत प्रसन्न होकर के अपने दूतों से उन्होंने कहा, क्योंकि जो जितना जानता है उसके अनुसार तो सही कर रहा है। तो यमराज समझ गए कि ये जितना जानते उसके अनुसार तो सही बोले, और जो कुछ कर रहे थे वो बिल्कुल सही बोले, और सही बात थी कि उसको लाना था, अजामिल को यमराज के पास लाना था। लेकिन उस समय अचानक जो उसने नारायण का नाम बोला, यमराज समझ गए अजामिल ने नारायण का नाम बोला जो उस समय, तो वो इतना शक्तिशाली नाम था कि उसका सब करोड़ों जन्म के पाप का प्रायश्चित हो गया था। तो यमदूत नहीं समझ पाए इस बात को, और जो है इतना यमराज के पास में फास्ट वो है नहीं टेक्नोलॉजी कि तुरंत बता दे भाई आ जाओ, तो इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी यमराज के पास नहीं है। तो यमराज समझ गए, तो फिर वो जो है प्रीता सुदूतान, तो अपने दूतों से जो है बहुत प्रीतिपूर्वक बोले, स्मरण पादाम वो जम हरे, और भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हुए बोले। अब यमराज जब बोलते हैं तो फिर इस प्रकार से बोलते हैं कि पूरी बात जो है स्पष्ट हो जाए। यमदूतों का जितना संदेह था जो विष्णु दूतों के साथ बातचीत हुई और उनको पूरी पूरी सूचना नहीं मिली, तो यमराज जो है जब बोलते हैं श्लोक संख्या 12 से लेके श्लोक संख्या 17 तक, आज का श्लोक संख्या 17 है, तो 12 से लेके 17 तक यमराज जो कुछ बोल रहे हैं वो एक ही बात बोल रहे हैं, एक ही वाक्य है, और सब के सब 6 के 6 श्लोक जो है एक दूसरे से बहुत जो है जुड़े हुए हैं, बहुत जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। श्लोक संख्या 12 में जो उन्होंने बात बोली तो वो उसमें यत शब्द का प्रयोग किया, यत यानी जिसका, तो जिसका जो है मतलब कैसा प्रभाव है, तो उन्होंने इस तरह से बोली। तो यहाँ पर बात पूरी नहीं हुई, जौन जो ऐसे है जिसका ऐसा है, इस श्लोक संख्या 13 में बोला जो ऐसे हैं, और यश में जिसको कि सब लोग नमस्कार करते हैं, जिसको सब लोग समर्पण करते हैं, इस श्लोक संख्या 14-15 में भी यश शब्द का प्रयोग किया, जिसकी वंदना सब लोग करते हैं, इस श्लोक संख्या 16 में यही यम शब्द का प्रयोग किया, यम माने जिसको, तो जो जैसा जिसका जो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया। और अब श्लोक संख्या 17 में वो बोल रहे हैं तस्य, यानी उनके ही ये दूत हैं। तो वाक्य जो है पूरा होता है 6 श्लोकों में, एक दूसरे से श्लोक जो है मतलब पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, नहीं तो वाक्य ही पूरा नहीं, बात ही पूरी नहीं होती। तो यहाँ पर बात पूरी हुई कि उनके जो है वो दूत हैं,
तस्य आत्मतंत्र से हरे देश तो, वो जो है आत्मतंत्र है, वो भगवान है। तो यमदूतों को पहली बार पता चला कि कोई व्यक्ति है जो सबसे ऊपर है, सबसे टॉप में है। वो तो सोच रहे कि भाई वेद ही जो है सबसे टॉप में है और कोई व्यक्ति तो है ही नहीं, है ना। तो यमराज बताते हैं, है ना। और फिर अब उनके दिमाग में था कि वो भी अगर टॉप में है तो क्या कोई व्यक्ति है, कोई उसका कोई रूप है, कोई है, उसका भी नाम है, कुछ है क्या। तो फिर बताते हैं कि तद्रूप गुण स्वभाव, उसी के रूप में ये हैं। तो इसमें पूरी बात आ गई, जो तुम जिनको तुमने देखा है तो उन्हीं के रूप में ये लोग भी हैं। जैसे उनके गुण हैं उनके गुण, इनके गुण भी उनके जैसे हैं। स्वभाव जैसा उनका स्वभाव है वैसा इनका भी स्वभाव। जिस बात में गुस्सा वो होते हैं उस बात में ये भी गुस्सा होते हैं, जिस बात में वो प्रसन्न होते हैं उस बात में ये भी प्रसन्न होते हैं। कि पूरा मन जो है उनको मतलब उनमें लगा हुआ है, है ना। मन मना मतलब भगवान के मन वाले हैं, भगवान के स्वभाव वाले हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है यमराज ने जो 6 श्लोकों में बात बोली है वो पूरा का पूरा जो है यमदूतों का जो है संदेह दूर कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जब बताते हैं, यमराज बताते हैं कि चरंती मनोहरा, मन का हरण करते हैं ना? तो मतलब भगवान कितना मन को हरण नहीं करेंगे अगर उनके दूत ऐसे हैं, है ना। और यहाँ पर ये भी पता चलता है कि भगवान कितने उदार हैं, भगवान कितने उदार हैं। हाँ, इस संसार में क्या होता है, कोई राजा होता है तो ये शिष्टाचार है कि भी राजा के समान ऐश्वर्य किसी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। अगर कोई राजा की वेशभूषा धारण कर ले तो केस चल जाएगा, राजा की वेशभूषा धारण कर ले तो केस चल जाएगा। राजा की तरह कोई जो है रथ में चले, केस चल जाएगा। तो ये जो है मतलब एक शिष्टाचार है कि भी राजा की तरह आप नहीं बनो। लेकिन भगवान जो है इतने उदार हैं कि भगवान उनको अपने जैसा रूप भी दे देते हैं, चतुर्भुज भगवान दे देते हैं, चतुर्भुज रूप है, और पीत वस्त्र शंख चक्र गदा पद्म सब कुछ भगवान जो है अपना देते हैं। तो तद्रूप गुण स्वभाव, तो ये जो है मतलब विशेष बात है भगवान की कि भगवान अपने भक्तों को जो है अपने समान बना देते हैं। और फिर ये भी है कि अपने भक्तों कभी कभी अपने से भी बड़ा भी भगवान बना देते हैं, और भगवान अपने भक्तों को अपने से छोटा भी बनाते हैं तो अपने नीचे भी रखते हैं। तो भगवान की तीनों प्रकार की दया होती है। भगवान अपने भक्तों को अपना सेवक बनाते हैं, अपने सेवक का सेवक बनाते हैं, और अपने सेवक के सेवक के सेवक भी बनाते हैं। इस रूप में भगवान दया करते हैं। भगवान अपने भक्त को अपने बराबर बनाते हैं, इस रूप में भी भगवान दया करते हैं। भगवान अपने भक्त को अपने से बड़ा बनाते हैं, इस रूप में भी भगवान दया करते हैं। तो भगवान का ही सब गुण है, है? तो इसलिए कभी कभी जो है भक्त को भगवान से बढ़ करके भी कहा जाता है, है? कि भक्त भगवान से बढ़ करके हैं, और कभी भक्त को भगवान के बराबर भी कहा जाता है, और भक्त को जो है कभी कभी भक्त को भगवान से छोटा माना जाता है। तो वो तो हमेशा के लिए, हमेशा भक्त जो है भगवान से छोटा है, भगवान का सेवक है, है? तो लेकिन तत्व अगर तत्व की दृष्टि से देखें तो जो है भक्त भगवान के सेवक हैं। किंतु प्रभुर यह प्रिय ये विदर्श, वो भगवान के प्रिय सेवक हैं। साक्षाधरित्व तो बताया गया, साक्षाधरी सब शास्त्रों में बताया गुरु को साक्षाधरी, है ना। लेकिन वो साक्षाधरी कहा जाता है केवल इस दृष्टि से कहा जाता है कि वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, कि भगवान का उन्होंने जो संदेश दिया है इसे साक्षाधरी कहा जाता है। लेकिन तत्व से क्या है, किंतु प्रभुर यह प्रिय, वो भगवान के प्रिय सेवक हैं। इस तत्व जानना चाहिए। और अगर आपने समझा तत्व से अगर अलग चले गए और आप अपने को बड़ा समझने लगे या भगवान के समान समझने लगे, भगवान कहते हैं कभी, या आपने अगर ऐसे ही कहने लगा, आप कहने लगे, आपने कहना शुरू कर दिया तो उल्टा हो जाएगा, बहुत उल्टा हो जाएगा। ये तत्व भगवत गीता में भगवान ने तत्व बदला है, जो मेरी शरण में आए मेरी शरण में आओ, तो ये तत्व की बात है। जो गुरु हैं भक्त हैं आपको भगवान की शरण में ही लगाएंगे, है ना। तो यही जो है प्रभुपाद से किसी व्यक्ति ने कहा कि प्रभुपाद मैं आपके जो शिष्य हैं अगर मैं उनकी शरण लेता हूँ तो वो मुझे धोखा देते हैं। तो प्रभुपाद से जब ऐसा कहा
कि मैं उनके शरण में आता हूँ तो वो धोखा देते हैं, तो प्रभुपाद ने कहा मैं भी तुमको धोखा दूंगा, कृष्ण की शरण में जाओ। तो प्रभुपाद ने कहा मैं भी तुमको धोखा दूंगा, कृष्ण की शरण में जाओ, है ना। तो इसने प्रभुपाद की कितनी गहराई, प्रभुपाद जो बात बोल रहे हैं कितनी गहराई है। जब प्रभुपाद कहते हैं मैं तुम्हें धोखा दूंगा, तुम कृष्ण की शरण में जाओ, तो प्रभुपाद जो है कहाँ धोखा दे रहे हैं, आपको धोखे से बचा रहे हैं और कहते हैं मैं तुम्हें धोखा दूंगा, है ना। तो इसमें कितनी गहराई है, है ना। तो इस बात को हमें समझना है कि तत्व अगर कोई जो है मतलब ऐसे गुरु को भगवान माने या कोई जो है किसी भक्त को भगवान से बड़ा माने तो तत्व कुछ समझना पड़ेगा, है ना। इस बात को जो है अच्छी प्रकार से समझना पड़ेगा। और यमराज जो है अपने दूतों को जो है जब समझाते हैं तो इस प्रकार से समझाते हैं कि तत्व पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो पहले तत्व को समझ लो, उसके बाद फिर कुछ ऊंचा नीचा भी बोल सकते हो। तो कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है, कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है, तो सब कुछ बोला जाता है। जहाँ तक तत्व की बात आती है तो फिर समझ लो कि उनके से ऊपर कोई नहीं, उनका ही नियंत्रण है, हर चीज़ में उनका ही नियंत्रण है। और भगवान का पूरा नियंत्रण था और भगवान को पूरी योजना पता थी कि क्या होना है। वो अजामिल जो है जब नारायण का नाम लेगा, यमदूत को आना चाहिए और विष्णु दूतों को भी आना चाहिए, ये सब यमराज बताते हैं कि उनकी जो योजना है वो कोई नहीं जानता, ना मैं जानता हूँ। यमराज भी नहीं जानते थे कि भगवान की क्या योजना है। अजामिल जो है अजामिल के पास यमदूत आएंगे, उसको गला बांधेंगे, उसको खींचेंगे, उसके मुँह से नारायण का नाम निकलेगा और विष्णु दूत आएंगे, फिर उनकी बातचीत होगी। ये सब योजना भगवान की पहले से है। ना इस बात को विष्णु दूत जान सकते थे, ना यमदूत तो बहुत दूर हैं, यमराज भी नहीं जान सकते थे। भगवान की इस प्रकार की योजना थी, अजामिल को सब कुछ मालूम पड़ जाए। यमदूतों ने जो कहा वो भी पता चले यमराज अजामिल को कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है, उसको जाना था नरक में, उसने क्या किया। और विष्णु दूतों ने जो कहा वो बहुत ऊंची बात बताई, भगवान के नाम की क्या महिमा है, अजामिल को वो भी पता चले। तो ये भगवान की पूरी योजना थी। तो ये जो भगवान की योजना है उनकी योजना को कोई नहीं जान सकता। तो यमराज ही बताते हैं, आँख जैसे है ना, तो आँख जो है शरीर को देखती है, शरीर के सब अंगों को देखती है, कोई अंग आँख को नहीं देख सकता। तो भगवान की योजना को कोई नहीं जान सकता। आपको जो है उस समय ये काम करना होगा, उसी समय ये काम होगा, फिर ये होगी, फिर वो घटना होगी, और सब कि सब जो योजना है वो बड़ी बारीकी से वो भगवान को ही पता है और भगवान ही इस प्रकार की योजना बनाते हैं। हरे कृष्ण।